खबर है कि पाकिस्तान में इमरान को कुर्सी से हटाने की साजिश जिनपिंग ने रची। इमरान पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कभी चीन या जिनपिंग का नाम तक नहीं लिया, लेकिन खबर है कि इमरान जिनपिंग की आंखों में खटक रहे थे, इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे से इमरान की कुर्सी छीनने का षड्यंत्र रचा। ये तो किसी से नहीं छिपा कि पाकिस्तान चीन की भीख पर जिंदा है। कहा जा रहा है कि फरवरी में इमरान खान जब जिनपिंग से मिले थे तो उन्होंने उनके आगे पैसों के लिए हाथ फैला दिए थे। यही नहीं, दो दिन पहले हुई इस्लामाबाद की रैली में भी उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांधे थे कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। लेकिन खबर है कि चीन इमरान को सिरदर्द मान रहा है, क्योंकि इमरान राज में पाकिस्तान में चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC पटरी से उतर गया। इन्हीं वजहों से जिनपिंग ने ठान लिया कि वो इमरान को उनकी कुर्सी से हटाकर दम लेंगे। वैसे खबर है कि कुर्सी के इस खेल में मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि नीयत का भी है, और कहा जा रहा है कि इमरान की बदली नीयत ने जिनपिंग को पाकिस्तान की सियासी सर्कस का रिंग मास्टर बना दिया। पिछले महीने जब इमरान जिनपिंग से मिले तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि मुस्कुराकर हाथ मिलाने वाले और खुद को उनका दोस्त कहने वाले जिनपिंग उनकी पीठ में खंजर घोपेंगे। वैसे सिक्के का दूसरा पहलू ये कह रहा है कि इमरान ने चीन को धोखा दिया, और वो भी कोई ऐसा वैसा धोखा नहीं। खबर है कि इमरान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के जरिए अमेरिका को ये डील दी थी कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका CPEC जैसा कोई ऑफर दे तो वो चीन के साथ CPEC को खत्म करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और ये बात चीन तक पहुंच गई और जिनपिंग का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और शुरू हो गई इमरान सरकार की उल्टी गिनती। उधर अफगानिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए तालिबान ने एक नया फरमान जारी कर दिया और उस नए फरमान के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब दाढ़ी रखना जरूरी होगा और दफ्तर में उन्हें ढीले ढाले कपड़े पहनने होंगे, और जो कर्मचारी बिना दाढ़ी के ऑफिस पहुंचेंगे और ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के अधिकारियों ने सरकारी दफ्तरों की निगरानी भी की और इस दौरान ये देखा गया कि सरकारी कर्मचारी नए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को सही समय पर नमाज पढ़ने के लिए भी कहा गया। पिछले हफ्ते ही तालिबान ने महिलाओं को अकेले हवाई यात्रा करने पर उनकी पाबंदी लगा दी थी। यही नहीं, तालिबान लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने के वादे से भी मुकर चुका है।